दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में आपको कनेक्ट करके दिखाएंगे कि निसान मैग्नाइट जो XV और XV प्रीमियम मॉडल आता है उसमें एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस किस तरीके से कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली है। तो फ्रेंड्स, जैसे देख सकते हैं हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली है, पार्किंग मोड पर है और ये CVT वेरिएंट है इसका। ये देखिए CVT वेरिएंट है ये इसका। तो इसके बाद हम सबसे पहले हम अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कर दिया है और यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाते के जाने के बाद डिवाइस पे क्लिक करते हैं। डिवाइस के बाद डिवाइस मैनेजर आता है। देन इसके बाद यहाँ हम ऐड के ऑप्शन पे जाते हैं। हम ऐड करते हैं ब्लूटूथ के लिए एंड सर्च डिवाइस। तो हमारा इसका फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन है और यहाँ पे ये भी सर्च कर रहा है। तो देखिए यहाँ मेरे फ़ोन का नाम आ गया Realme 6 और हमने यहाँ एक क्लिक कर लिया है और यहाँ पे इसमें जैसे ही आएगा इसका पेयर का ऑप्शन आएगा। हमने पेयर कर लिया है। पेयर करने के साथ ही इसमें आपका तुरंत ऑप्शन आ जाता है एंड्रॉयड ऑटो और ब्लूटूथ के लिए। तो हम एंड्रॉयड ऑटो पे क्लिक करेंगे। तो एंड्रॉयड ऑटो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा कनेक्ट हो गया है। ये देखिए आपका ये साइन आपका ब्लू हो गया, बाकी सब में नहीं है। तो यहाँ बैक करते हैं और यहाँ एंड्रॉयड ऑटो पे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, बिना वायर के आपका एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट हो चुका है। और हम इसमें से अब क्या कर सकते हैं, अब अपने फ़ोन को मोस्टली हम जैसे देखिए अभी कॉल आ रही है, तो हम इसमें अपने फ़ोन से ही गाने भी चला सकते हैं, मैप्स भी ऑपरेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, ये जो आपका एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस जो कनेक्ट होगा वो आपका कनेक्ट ऑन इन एंड्रॉयड 11 वर्ज़न जो आता है, एंड्रॉयड वर्ज़न जो होता है वो 11 में ही होगा। पहले मेरा फ़ोन भी कनेक्ट नहीं होता था, देन मैंने उसके बाद अपना फ़ोन अपडेट किया है। तो पहले एंड्रॉयड 10 था और अब ये एंड्रॉयड 11 में अपग्रेड हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं वायरलेस आपका एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट है। आप नेविगेशन वगैरह भी कर सकते हैं, नेविगेशन में आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ऑपुलेंट मॉल। Alright, I'm setting your destination to the Opulent Mall on Grand Trunk Road. So see, आप देख सकते हैं ये वायरलेस ही हमारा सारा वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड ये था हमारा एंड्रॉयड ऑटो, हम वायरलेस किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। और जो मैंने आपको चीज़ बताई है ये ओनली एंड्रॉयड 11 वर्जन में ही आपका कनेक्ट करेगा वायरलेस, अदरवाइज आप इसको वायर से ही कनेक्ट करें। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।